का सॉन्ग होने वाला है, तो बहुत ही धूम धड़का अभी थोड़े दिन में स्टार्ट होगा। हम लोग बस अभी रेडी हो रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी लगभग फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, अब बस आज होली का सॉन्ग होगा, उसके बाद कंप्लीट फिल्म। और इस फिल्म में पवन जी हैं, यश जी हैं, मैं हूँ, अक्षरा जी हैं, पूनम दुबे जी, रितु सिंह जी, तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। किरदार तो पहले भी बताया था, पुलिस इंस्पेक्टर का है, जो थोड़ा अलग, जो सीरियस पुलिस इंस्पेक्टर, वही तो मैंने बोला कि जो पुलिस वाले हैं सीरियस पुलिस नहीं है, जो सब कुछ करते हैं, रोमांस भी करते हैं और कॉमेडी भी करते हैं, फुल एक्शन भी करते हैं। तो बड़ी मज़ेदार फिल्म बनाई है राजू जी ने। समाज में कितना अच्छा मैसेज जाएगा इसका? अच्छा मैसेज से मैसेज तो जाएगा अच्छा, क्योंकि हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज होता ही है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फिल्म कितने मनोरंजक बनी है, कितनी एंटरटेनर बनी है। तो बहुत ही मज़ेदार और एंटरटेनिंग फिल्म बनी है, तो आप थिएटर में बैठेंगे तो हंसते हंसते मज़ा लेते लेते आप इस फिल्म को देखेंगे, कहीं एक सीन में भी आप बोर नहीं होंगे। हाँ, नेक्स्ट मंथ में होली, हम लोग होली से पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा अभी। और अभी तो होली बाकी है, देखिए। तो हीरो के बिना कहीं ना कहीं, हीरोइन के बिना कहीं ना कहीं हीरो अधूरा है, तो कौन होंगी इसमें आपकी हीरोइन, कौन है? मेरे अपोजिट है इसमें रितु सिंह, और हमने इससे पहले भी दो तीन फिल्में की हैं साथ में, वो साथी रहे। अभी हमारी शूटिंग एक और चल रही है जिगर की, जिसमें मैं और दिनेश जी हैं, और उसमें भी रितु सिंह जी अपोजिट में है मेरे, और प्रेमांशु जी डायरेक्ट कर रहे हैं, विकास कुमार जी उसके प्रोड्यूसर हैं पूर्वांचल टॉकीज से। उसके बाद कुछ प्यार किया नहीं जाता, जो बिहार में शूट होने वाली है, उसके बाद फेब लास्ट में है। अगर इस लोकेशंस की बात की जाए तो ये लोकेशन किस तरह लगा, यहाँ की कोई खास बात है? खास बात है, बहुत अच्छा लोकेशन इन्होंने चुना है, गांव है बहुत प्यारा सा, जो भोजपुरी का पूरा लुक देता है, और ये फिल्म पूरा भोजपुरिया फिल्म, जिसको प्योर भोजपुरी फिल्म बोल सकते हैं वो है ये। ऐसा नहीं कि बहुत स्टाइलिस्ट बनाया गया है, बहुत ये मतलब गांव से अपने कल्चर से टच रह के इस फिल्म को बनाया गया है। कितनी उम्मीदें हैं आपको इस फिल्म से? बहुत बहुत ज़्यादा, और इतनी प्यारी फिल्म तो बनी है, तो उम्मीद तो भी उस लेवल पे है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस फिल्म से। हम लोग मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।